दीनता को अंग, दीन गरीबी बंदगी, साधुन सो आधीन, ताके संग में यो रहूं ज्यों पानी संग मीन। जिनके मन में दीनता है, दीनता विनम्रता, एक तो दीनता हीन भावना हो जाती है, हम तो बहुत दीनहीन हैं, लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम में क्या शक्ति है, हम सर्वथा असमर्थ हैं, यह भाव। ऐसा भाव रखने वाला आदमी किसी भी क्षेत्र में दृढ़तापूर्वक काम नहीं कर सकता और सफल नहीं हो सकता। कोई गरीब है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है तो वो दीन है, ऐसा नहीं है। सब अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो वो दीनता हीनता की भावना गलत। किसी भी आदमी को कभी भी अपने को दीनहीन लाचार नहीं मानना चाहिए। सदैव आत्मविश्वासी और मनोबली होना चाहिए। अब बड़ों के सामने झुकना, विनम्रता लेना, संकोची स्वभाव का होना वह अलग बात है, और इसकी आवश्यकता सब जगह है। उद्धत है आदमी, उद्दंड, मनमति, तो उसे पतित तो होना ही होना है। वो कहीं से कुछ सीख नहीं सकता, कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। तो बड़ों के प्रति आदर भाव रखना, सम्मान रखना, उनके प्रति विनम्रता रखना, उनके सामने झुकना, यही उन्नति का पथ है। यहाँ जो दीनता की बात है वो दीनता है विनम्रता की, अपने को दूसरों से छोटा मान करके रखना, अहंकार रहित दशा। तो जिसमें दीनता है, विनम्रता, लघुता, अहंकारहीनता है, और गरीबी, यहाँ गरीबी का अर्थ है जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट और कम से कम वस्तुओं में गुजर करने की भावना। बहुत है, रुपये पैसे नहीं, इसका मतलब कोई दिखावा थोड़े है। ऐसा भोजन चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा मकान चाहिए, ये ऐसी सब्जी ना मिले तो मैं खा ही नहीं सकता, बेकार की बात है। गरीबी अपने लिए कम से कम खर्च करने की भावना, दूसरों के लिए उदार बन जाए, अपने लिए कम से कम खर्च करना, थोड़े में गुजर करना, वो कंजूसी नहीं है। जो आदमी अपने पर कम से कम खर्च करता है वो कहीं भी गुजारा कर लेगा, और वही दूसरे की सेवा भी कर सकेगा। जिसे अपने लिए हर जगह बढ़िया बढ़िया चाहिए, उत्तम, सारी सुविधा स्वयं के लिए,
वो दूसरों के साथ अपराध करेगा। तो गरीबी अपने लिए कम से कम खर्च रखने की भावना, थोड़े में गुजर करना, संतोष का भाव, बंदगी सेवा परायणता, एक बंदगी शिष्टाचार में नमस्कार दंडवत प्रणाम जो करते हैं वह है, और उसकी भी आवश्यकता है। शिष्टाचार जहाँ जैसा है वैसा कर लेना चाहिए, हर जगह का अपना अपना अलग विधान है, कोई नमो नारायण कहता है, कोई ओम कहता है, कोई अल्लाह अकबर कहता है, कोई सलाम कहता है, कोई नमस्कार करता है, कोई प्रणाम करता कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई सीताराम कहता है, कोई राधे श्याम कहता है, जहाँ जैसा कहे वैसे वो अपना उत्तर दे ले। शिष्टाचार में हाथ जोड़ना, पहले लोग आए मिले, पहले हाथ जोड़ लिए, स्वयं झुक गए, इसमें कोई अपनी छुटाई तो है नहीं कि हम पहले हाथ जोड़ लेंगे तो, और पहले झुक जाएंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारी कीमत घट जाएगी, ये अहंकार का लक्षण है। और बड़े बड़े त्यागी बैरागी कहलाने वाले लोग जो कहते हैं कि दुनिया नासमान है क्षण भंगुर है, उनमें से कितने लोग भी दूसरों के सामने झुकना नहीं जानते। बड़े बड़े सन्यासी आपस में मिलेंगे तो कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, क्योंकि जो पहले हाथ जोड़ लेगा वो छोटा हो जाएगा, समाज में कीमत कम हो जाएगी, इसलिए हाथ जोड़ना ही नहीं है। मिथ्या अहंकार, स्वयं हाथ जोड़ लिए पहले से कोई छोटा हो जाएगा, और सच यह है कि जो स्वयं हाथ जोड़ लेता है पहले वो लोगों की दृष्टि में बड़ा हो जाता। तो शिष्टाचार भी चाहिए और बंदगी सेवा परायणता, सेवा की भावना, जब जहाँ जैसा अवसर मिले वो ढंग से सेवा कर लेना। सेवा अमुक से होती है ऐसा तो है नहीं, धन से होती है, तन से होती है, वचन से होती है, मन से होती है, अनेक ढंग हैं सेवा करने के, कोई किस रूप में करता है, कोई किस रूप में करता है। सड़क में झाड़ू लगा दिए सेवा हो गई, रास्ता चलते जा रहे हैं, बीच रास्ता में कांटा पड़ा है, ईंट का टुकड़ा पड़ा है, कांटे को ईंट टुकड़े को हटा कर उठा करके फेंक दिए बाहर सड़क से, सेवा हो गई। ऐसा थोड़े है कि कोई किसी को आप 10-50 रुपये देंगे तभी सेवा होती है, समय से उसकी भी आवश्यकता है, ऐसा अवसर आए तो वो भी दे दें, भोजन का अवसर है किसी को भोजन करा दें भूखे को, वो भी सेवा है। लेकिन भाव हो सेवा का, रास्ते में कांटा पड़ा है उठा करके फेंकने में कितना समय लगेगा, कुछ सेकंड, लेकिन मन बढ़िया बनेगा, प्रसन्नता होगी, वो सेवा है, क्योंकि किसी को कांटा गड़ता तो उसे कितनी पीड़ा होती, ठिकरा पड़ा हुआ है, ईंट का ढेरा पड़ा है, कोई आकर टकरा जाए तो उसमें कोई गाड़ी टकरा जाए तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, हटा दिए सेवा तो हो गई। भाव हो सेवा का ना तो हर जगह आदमी सेवा का काम खोज लेता है, भाव ही नहीं है तो सेवा का अवसर मिलेगा भी तो भी बहाना बना करके छोड़ देगा, और सेवा का अवसर मिलने के बाद भी जो बहाना बनाकर छोड़ देता है उसका मन कभी साफ रह नहीं सकता है।
जो सेवा का अवसर स्वयं खोज लेता है, वह लोगों के मन में अपने लिए स्थान बना लेता है, श्रेष्ठ हो जाता है। वह बंदगी हो, शिष्टाचार भी हो, माता पिता बड़े बुरु गुरुजन के सामने हाथ जोड़ना भी है, अपरिचितों के सामने भी हाथ जोड़ लिए, सासा सेवा परायणता। साधुन सो आधीन, और साधुओं की अधीनता, यहाँ साधु के तात्पर्य जो सच्चे संत हैं, वैसे जो भी साधु हैं सबको बड़ा मान लिए, सबको आदर दे दिए, लेकिन अधीनता तो जिस किसी की ली नहीं जा सकती है। तो सच्चे संत हैं विवेक वैराग्यवान, उनकी अधीनता में रहकर हम अपना कल्याण का काम कर सकते हैं। आखिर हमें त्याग की, वैराग की, साधना की प्रेरणा चाहिए, सीख चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? जो इसमें निष्णात है उनसे तो मिलेगी। और सीख लेना है, प्रेरणा लेना है, तो शरणागति चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था ना, प्रणिपात होने के लिए यदि ज्ञान चाहिए तो प्रणिपात, प्रणिपात का अर्थ क्या है? शरणागति, सरेंडर कर देना अपने आप को, जो अपना आदर्श उसके सामने। तो साधुन स्वाधीन, साधुओं की अधीनता। कबीर साहब कहते हैं जिनमें ये चार बातें हैं, दीनता है, स्वाभाविक विनम्रता, गरीबी अपने लिए कम खर्च करने की भावना और वैसा करना, थोड़े में गुजर, बंदगी, शिष्टाचार, सेवा परायणता, और साधुओं संतों की अधीनता। जिनमें ये चारों गुण हैं, ताके संग में यों रहूं जो पानी में, उनके साथ मैं उसी प्रकार रहता हूँ, उनसे उसी प्रकार प्रेम करता हूँ जैसे मछली पानी से प्रेम करती है। पानी तो मछली का जीवन है। पूछो मछली से कि पानी का क्या महत्व है, तो कहेगा महत्व क्या, वो तो मेरा जीवन ही है। हमारे जीवन में सांस का क्या महत्व है, तो हम क्या बताएंगे, क्या उत्तर देंगे? उसी से तो हम जी रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति है, विनम्र हैं, संतोषी, अपने लिए जो कम से कम खर्च करता है, सेवा परायण और साधुओं का अधीन है, आपका, तो उनसे मैं वैसा ही प्रेम करता हूँ, तो वैसे ही घुल मिल जाता हूँ जैसे मछली पानी से प्रेम करती, उसी में मिल जाती। दीन गरीबी बंदगी सबसों आदर भाव, कहें कबीर सुई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। कोई आदमी अपने को दूसरों से छोटा नहीं मानता है, मानना नहीं चाहता है। हर आदमी अपने को बड़ा मानता है, बड़ा बनना चाहता है, लेकिन बड़ा कैसे होगा आदमी? एक ने तो लिखा है बड़ा बनने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत सहना पड़ेगा, बड़ी कठिनाई से, प्रतिकूलता से गुजरना पड़ेगा, तब बड़ा बनोगे। देखो उड़द को पहले चक्की में दलते हैं, ठीक है, और किसी आदमी को चक्की में दो पत्थर बीच में रगड़ कर, दो पत्थर बीच में रख कर उसको घिसो और रगड़ो, कितनी पीड़ा होगी। तो उड़द को दो पत्थरों के बीच में रख करके घिसते हैं तब वो दाल बनती है। फिर रात भर पानी डुबा दिया, किसी आदमी को दो घंटा पानी डुबा करके रखो, पता चल जाएगा। तो रात भर पानी डुबाया गया, उसके बाद रगड़ा गया उसको एक एक करके, तब सिल पर पिसा गया, और सिल पर पिसा गया तब नमक छिड़क दिया, मिर्चा, और किसी घाव नमक मिर्चा छिड़क दो तब क्या होगा?
तो उस पर नमक मिर्चा छिड़का गया, फिर तेल में तला गया, तब बड़ा बना। ऐसा थोड़ा बड़ा बना, ये कहने का भाव है। बड़ा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत सहन करना पड़ता है। तो आदमी बड़ा तो बनना चाहता है, लेकिन प्रतिकूलता से घबराता है, सहना नहीं चाहता, उसके लिए परिश्रम नहीं करना, कोई तैयारी नहीं है। धन से भी आदमी को बड़ा माना जाता है, जिसके पास कोई पद है उससे भी बड़ा माना जाता है, ज्ञान से विद्वता से भी बड़ा माना जाता है। लेकिन ये बड़ाई बाहर बाहर की बड़ाई है, असली बड़ाई नहीं है। अनेक धनी लोग हैं, कोई धनी आदमी दूसरे धनी आदमी के सामने झुकना थोड़ा चाहता है, झुक लेगा तो लाभ दिखाई पड़ेगा पैसे का, तब झुक लेगा। विद्वान विद्वान से झुकना नहीं चाहता, मंत्री मंत्री से झुकना नहीं चाहता, कहाँ झुकता है आदमी? जहाँ बड़ा स्वभाव दिखता है, कहें कबीर सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव, वह आदमी बड़ा है जिसका स्वभाव बड़ा है। और स्वभाव बड़ा, इसकी पहचान क्या है? कैसे माने उसका अमुक आदमी स्वभाव बड़ा है? हर आदमी अपने स्वभाव को तो बड़ा कहता, अच्छा कहता है। साहब उसके चार लक्षण बताते हैं कि बड़ा स्वभाव किसको कहना चाहिए। दीन, गरीबी, बंदगी, सबसो आदर भाव। दीनता पर जिस पर ऊपर चर्चा हुई पहले, दीनता जिसमें विनम्रता, स्वाभाविक विनम्रता हो, बनावटी नहीं। बनावटी विनम्रता टिकती नहीं है। बनावटी विनम्रता में तो दूसरे को धोखा देने का भाव रहता है, छलने का भाव रहता है, कपट। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का पैर छू करके ही मारा था उन्हें, बड़े विनम्र बन गए थे, झुक गए थे ना उनके सामने, गांधी जी के सामने पैर छुए थे, और पैर छुआ और मार दिया गोली। तो ये विनम्रता किस काम की? बिल्ली बहुत विनम्र रहती दबकी रहती है, चूहा देखा एक बार में काम तमाम, तो विनम्रता थोड़े है, स्वाभाविक विनम्रता, निश्चलता पूर्वक, जिसमें किसी को ठगने का, कुछ पाने का, धोखा देने का भाव ना हो। तो जिसमें दीनता हो। गरीबी वही जो कहा कि थोड़े में गुजर करने की भावना, और बंदगी सेवा परायणता, साथ साथ सबसो आदर भाव, जो मिले आदर पूर्वक अपने दरबार पर सब का आदर, यथोचित आदर जो करता है। तो ये चार लक्षण जिसमें हो, दीनता हो, थोड़े में गुजर करने की भावना हो, सेवा परायणता हो, और सब प्रति आदर का भाव हो, जिसमें ये हो उसका स्वभाव बड़ा है, और वही आदमी बड़ा है, वही श्रेष्ठ, वो पूजनीय है। दीन गरीबी दीन को, दुंदुर को अभिमान, दुंदुर तो विशेषे भरा दीन गरीबी जान। तो जो व्यक्ति दीन है, दीन यहाँ तात्पर्य विनम्र, जो आदमी विनम्र है उसमें स्वाभाविक रूप से विनम्रता होगी, निराभिमानता होगी, सादापन होगा, दिखावा नहीं होगा, सरलता, सादगीपना, सहज व्यवहार होगा, उसको वही अच्छा लगता है। विनम्र आदमी को सरल रहना, सादापन रहना, दिखावा रहित होना, झुक जाना, वो अच्छा लगता है। लेकिन दुंदुर को अभिमान, दुंदुर मेढक के समान जो चंचल स्वभाव वाला है, उसको तो अहंकार अच्छा लगता है,
जो उपद्रवी है, उड्डंड स्वभाव का है, उसको अहंकार अच्छा लगता है। लेकिन दुंदुर तो विष से भरा, दुंदुर अभिमानी तो अहंकार की जहर से भरा हुआ है, और ये जहर से भरा हुआ है स्वयं दुखी रहेगा, औरों को दुखी करेगा। किन दीन गरीबी जान, जो दीन पुरुष है, विनम्र पुरुष है, संतोषी है, वह अहंकार रहित होता है, वो विनम्रता अमृत से भरा हुआ होता है। दीन लखे मुख सबन को, दीन ही लखे न कोय, भली बिचारी दीनता नर ही देवता होय। दीन जो गरीब है वो सबके मुख को देखता है, लाचार है बेचारा, यहाँ दीन करते जो लाचार है, वो सबके मुख को देखता है कि ये मेरी कुछ सहायता कर दे, इससे मुझे कुछ सहायता मिले, मजबूरी है उसकी, तो एक प्रकार से याचना करता, सबके मुख तरफ को देखता है। लेकिन दीन ही लिखे ना कोई, उधर कोई ध्यान नहीं देता। जो लाचार है लोग उसकी उपेक्षा कर देते हैं, तिरस्कार करते हैं, और किसी लाचार का तिरस्कार करना हृदय की क्रूरता है। न सेवा कर सको कोई बात नहीं, तिरस्कार करना उसका, हम तिरस्कार नहीं चाहते, हमारे पास धन है, पद है, विद्या है, प्रतिष्ठा है, सब प्रकार से योग्य, हम अपने को बड़ा मान लिए, और अपने से जो हीन है उनका तिरस्कार कर दिए, तो ये बड़प्पन काम नहीं आएगा, स्वयं एक दिन तिरस्कृत हो जाना पड़ेगा। तो जो लाचार है उस सब को तरफ देखता है, विनम्र होकर के आस लगा रहता है कुछ मिले। लेकिन अहंकारी लोग उसको तिरस्कार करते, उधर कोई देखता नहीं। भली बिचारी दीनता, साफ कहते हैं दीनता बिचारी उत्तम है, क्योंकि दीन व्यक्ति सबको देखकर भले बुरे की पहचान कर के मनुष्यों में देवता हो, जो दीन बन गया, विनम्र बन गया, झुक गया सबसे, झुकने का स्वभाव वाला है, वो मनुष्यों में देवता बन जाता है। किसी दीन का तिरस्कार ना करें, स्वयं विनम्रता लें कि कभी ऐसा भी, ऐसी दशा मेरी भी हो सकती है, ना जानो किस रुख तरह कूरा होए करंग, इसी में आया था दो दिन पहले, न जाने किस पेड़ के नीचे जो कूड़ा करकट है वो मुकुट बन जाए। आज इसका तिरस्कार कर रहे हैं वो पूजनीय हो जाए, बहुत बड़े पद पर पहुंच जाए, तब हम दशा क्या होगी फिर वो। इसलिए किसी का तिरस्कार नहीं करना है, जो विनम्र हो जाता है, नर ही देवता, ऐसा मनुष्य मनुष्यों के बीच में देवता बन जाता है, सब उसकी प्रसन्नता करते, पूजनीय हो जाता है। ये साखी थोड़ा से पाठांतर से रहीम की दोहे में भी आती है, दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे ना कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। पहली पंक्ति दूजों का त्यों है, दूसरी पंक्ति में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन भाव वही है। एक बानी सो दीनता, सब कुछ गुरु दरबार, यही भेंट गुरुदेव की संतन कियो विचार। एक बानी, एक दीनता विनम्रता धारण कर लेने पर गुरु दरबार उसके लिए सब कुछ मिल जाता है, विनम्र बन गए
तो धीरे 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 वो सब कुछ पा जाएगा, गुरु दरबार कहीं भी दुनिया के दरबार में पा जाएगा। साहेब के दरबार में कमी काहु की ना आए, बंदा मोहि पावे नहीं चूक चाकरी माए। साहेब के दरबार में, गुरु के दरबार में कहो, परमात्मा के दरबार में कहो, कुछ कमी नहीं है, जो चाहिए सब मिल जाएगा। लेकिन बंदा पाता नहीं, क्यों? चूक चाकरी माए, चाकरी में चूक गया, सेवा में चूक गया, विनम्रता में चूक गया, इधर सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं पा सका। कुछ पाना है तो चाकरी चाहिए, सेवा परायणता, विनम्रता चाहिए। तो एक बानी सो दीनता, जो एक दीनता को धारण जिसने कर लिया गुरु दरबार में, वो उसे सब के सब कुछ मिल गया। यही भेंट गुरुदेव की संतन की, वो विचार संतों ने विचार किया कि गुरु को भेंट देने के लिए एक दिनम जो दीनता है, विनम्रता, ये पर्याप्त है। रुपये पैसे देकर के भेंट, वो तो बाहरी है, क्षणिक। बल्कि कोई संत है, कोई गुरु है, उसके सामने कोई पैसा वाला आया, 1,000-2,000 चढ़ा दिया। दूसरा कोई व्यक्ति आया और 2-4 रुपये चढ़ा दिया, तो अहंकार हो जाए, देखो इसको गुरु की कीमत नहीं समझता है, 2 रुपये दे रहा है गुरु को और मैंने 1,000 रुपये चढ़ा दिया। मिथ्या अहंकार, दिखावा, कहाँ चढ़ाया 1,000 रुपया, अहंकार की वृद्धि किया। और जो 2 रुपये दिया है बेचारा, पूरा विनम्रता से दिया, अपने मन को शुद्ध कर लिया, भावना है संकोच उसके मन में। रुपये से थोड़े ही भेंट को आंकी जा सकती है, भावना कैसी है। साहब कहते हैं गुरु को भेंट देने के लिए सबसे उत्तम चीज है विनम्रता। नहीं दीन नहीं दीनता, संत नहीं मेहमान, ताघर जम डेरा किया, जीवत भया मसान। जो स्वयं दीन नहीं है, इसमें दीनता विनम्रता नहीं है, और जिसके घर में कभी कोई संत मेहमान बनकर के नहीं आते, अर्थ है यहाँ पर जिसके घर में कभी संतों का आदर सत्कार नहीं होता। एक तो दीनता विनम्रता है ही नहीं, अहंकार है, संतों का कोई आदर सत्कार ही नहीं है, उनसे दूरी है। साहब कहते हैं ऐसे घर में जमराज ने डेरा डाल रखा है, और घर वालों के जीते जी ही वो घर शमशान बना हुआ है, जीवत मुर्दा वहाँ रहते हैं। ऐसे जीते आदमी को मुर्दा नहीं कहा जा सकता, लेकिन कबीरता की भाषा में यहाँ पर जिस घर के लोग बड़े अहंकारी हैं, विनम्रता जिसमें छू नहीं गई है, और जहाँ संतों का आदर नहीं है, वहाँ उस घर के लोग जीते जी मुर्दा हैं, वो घर शमशान बना हुआ है, क्योंकि वहाँ जमराज का डेरा लगा हुआ है। यहाँ साहब का संदेश है अपनी जीते जी घर को शमशान न बनाओ, जमराज का डेरा न बनाओ, विनम्र बनो, दरवाजे पर जो आ जाए उसका आदर सत्कार करना शुरू करो। आखिर में सब के सब तो छूट जाएगा, किसका अहंकार है। कबीर नवे सो आपको, पर को नवे न कोय, घाली तराजू तौलिए नवे सो भारी होए। कबीर साहब कहते हैं जो कोई झुकना जानता है, विनम्र है, वह अपने लिए झुकता है, झुक करके वो अपना
कल्याण कर लेता है, दूसरों के लिए कोई झुकता नहीं है। तराजू में तौल वस्तु को तौलो तो जिधर वस्तु ज़्यादा हो जाती है, जो तराजू का जो पलड़ा झुक जाता है वह भारी होता, वही वजनदार होता, वही कीमती होता है। जो पलड़ा उठ गया है वह मूल्यवान नहीं होता, झुका हुआ पलड़ा मूल्यवान होता है। ऐसे जो विनम्र आदमी है, झुकने वाला आदमी, वो मूल्यवान होता है, वो आदरणीय पूज्य हो जाता है। और जो अहंकार किया बैठा है तन करके, उसका मूल्य नहीं होता। हम किसी के सामने झुकते हैं, विनम्रता धारण करते हैं, साहब कहते हैं तुम, तो उसके लिए झुका नहीं जा रहा है, स्वयं के लिए झुका जा रहा है। ऐसा करके हम अपना ही मन और कोमल बनाते हैं, निर्मल बनाते हैं। हम झुक गए तो सामने वाले को क्या मिला? उसे मिला तो कोई नहीं, लेकिन सामने वाले का मन खुश हो गया, फिर वो भी झुक जाता है। झुकने वाले सामने ही लोग झुकते हैं, अहंकारी अहंकारी के सामने थोड़ी झुकता है। झुकने वाला स्वयं ऊपर उठ जाता है। नीचे नीचे सब तिरे, संत चरण लवलीन, जाति के अभिमानते बूढ़े सकल कुलीन। जो छोटे कहलाने वाले लोग थे, संतों के चरणों में लगकर, उनकी संगत में लगकर सब तर गए, अपना कल्याण का काम कर लिए। लेकिन अपने को जो बड़ा कुल का मानते थे कि हम बड़ी जाति के हैं, हम बड़े वर्ण के हैं, ऐसे लोग अपने मिथ्या जाति के अभिमान में पड़ करके भव सागर में डूब गए। कल्याण का रास्ता अहंकार का रास्ता थोड़े है। चाहे जाति का अहंकार हो, चाहे रूप का अहंकार हो, चाहे धन का अहंकार हो, विद्या का अहंकार हो, किसी का भी अहंकार, जिसके मन में अहंकार आएगा उसे डूबना ही पड़ेगा। डूबना पड़ेगा क्या, वो तो डूबा डुबाया है ही। और जितना अपने में हल्कापना होता है उतना ज्यादा अहंकार होता है, और जितनी ज्यादा गहराई होती है उतने भी विनम्रता होती है। तो संतों के चरणों में लग करके छोटे छोटे कहलाने वाले लोग तर गए, और जिन्हें जाति का अभिमान था ऐसे लोग डूब गए। साज उदाहरण दिया करते थे, वो तो बहुत प्रसिद्ध है, पहले का है, किसी ने कहा है, बैठी पढ़ाइन बैठी शुक्लाइन, आएगी विमान गंदकिनिया के, मोहि भावे ल भक्ति भिलनिया के। पढ़ाइन और शुक्लाइन बैठी रह गई, अब भिलने के लिए आकाश से विमान आ गई। वो कहने का तरीका है, जो विनम्र हो उतर गया। नीचे नीचे सब तिरे, जीते बहुत अधीन, चढ़ बोहित अभिमान को बूढ़े ऊंच कुलीन। छोटे छोटे कहलाने वाले लोग, जिसे लोग नीच मानते थे, ऐसे लोग जिस किसी प्रकार संतों की अधीनता लेकर संसार से तर गए। परंतु जो लोग अहंकार के जहाज पर चढ़े हुए थे वे लोग डूब गए। जहाज तो पार करने वाला है, लेकिन साहब कहते हैं जहाज अहंकार का जहाज, यह अहंकार का जहाज पार नहीं करता है, डुबाता है। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसा बुरा न कोई। मैं बुराई खोजने के लिए गया,
निकला। साहब कहते हैं मुझे कहीं बुराई मिली नहीं, कोई बुरा आदमी मिला नहीं, घूम फिर लिया दुनिया भर में, कोई बुरा नहीं मिला। और जब खोजते खोजते थक गया, कोई बुरा मिला नहीं, तब अपने दिल में झांक कर देखा तो लगा कि मेरे समान बुरा आदमी तो दुनिया में कोई नहीं है। साहब की ये जो साखी है, इसी का भाव लगभग एक किसी विदेशी विद्वान का कथन है। उन्होंने लिखा है कि मेरे मन में हुआ कि लाओ दूसरों का दोष देखा जाए, कि बुराई खोजी जाए। तो दोष देखने का मन हुआ, दोष देखना चाहिए, लेकिन सोचा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। तो दोष देखने मन हुआ तो शुरुआत मैंने अपने आप से की, और उससे आगे बढ़ ही नहीं पाया। वहीं खोदते खोदते थक गया, इतना रहा कि अपने से आगे मैं बढ़ ही नहीं पाया, इतने दोष मुझे मिले। पति साके दूसरों को बुरा बुरा कहना ही अपने बुरा होने का लक्षण है। यहाँ बिहार में कोई गलत कर रहा है तो उसे टोक दिया, देखो तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसा करना तुम्हारे लिए हितकर नहीं है, तो वो दोष देखना नहीं है, वो तो उसके हित की बात बताए। किसी ने कोई गलती की, उसे बता दिए देखो इसको ये गलती हुई, ऐसा ना करो, तो अपना सुधार लेगा, उसका हित हुआ। लेकिन किसी ने गलती की, हम उससे नहीं कहे, उसको गलत साबित करने के लिए उसकी चर्चा दूसरों से करते रहे, उन्होंने ऐसी गलती की, वो ऐसे खराब है, ये बुरा देखना होगा, निंदा के प्रवित। और ऐसा करके हम अपना ही पतन करते हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत विनम्र होते हैं, बहुत विनम्र, बात बड़ी मीठी करेंगे, लेकिन इतनी बुराई करते रहते हैं दूसरों की, इतनी बुराई करते रहते हैं हद। और ऐसे लोग अपने को बहुत चतुर मानते हैं, बहुत चालाक, ऐसा लगता है कि हम सब से अपने को मनवा लेंगे, लेकिन मन ही जल रहा है, मन ही कोयला से रंगा हुआ है, तो ये क्या करेगी बाहर की विनम्रता। बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। साहब तो मैं बुरा खोजने के लिए गया लेकिन मुझे बुरा नहीं मिला, अपने दिल में जब खोजा तो लगा कि सबसे बुरा तो मैं ही हूं। कबीर, हम सब ते बुरे, हमसे भल सब कोए, जिन ऐसा करी बूझिया, मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूँ, मुझसे बुरा दूसरा कोई नहीं है, हमसे भल सब कोई, बल्कि हम सभी लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने ऐसा समझ लिया वही मेरा मित्र है, ये साधक का लक्षण है। कुछ अनाड़ी लोग कहते हैं, देखो कबीर तो कहते हैं, कबीर हम सबसे बुरे, हम तो सबसे खराब हैं। अब जो स्वयं ही कह रहा है मैं सबसे खराब हूँ, ऐसे कहने वाले किताब को क्या पढ़ना, स्वयं ही वो कह रहा है मैं सबसे खराब हूँ, घोषणा कर रहा है, लिख रहा है, तो ऐसे कबीर की बात पर क्या पढ़ना, क्या उसकी बात पर विश्वास किया जाए। अब ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए, ये तो साधक की विनम्रता, महापुरुषों की विनम्रता है।
वो अपने को ये थोड़े कहेंगे कि मैं सबसे अच्छा हूँ। गोस्वामी जी ने कहा है, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो क्या गोस्वामी जी खल थे, कुटिल और कामी थे? विनम्रता है उनकी। जैसे कहावत के अनुसार से भले कहते हैं कि पत्नी के वियोग एक दिन सहन नहीं कर पाते थे, माँ के चले गए उसी दिन और चले गए, लेकिन बाद में तो महात्यागी हुए, वैराग्यवान हुए, बहुत अच्छे संत हुए। उनका सिद्धांत क्या था वो बात अलग है, सिद्धांत अलग अलग हो जाता है, लेकिन जो साधक होते हैं, संत होते हैं, उनके संतों तो दशा एक जैसी होती है। तो मौसम कौन कुटिल खल कामी, अब इसके आधार पर कहें कि गोस्वामी जी का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है। तुलसी सठ की कौन सुने, तुलसी गोस्वामी जी अपने को सठ कहते हैं, तो वहाँ पर उनकी विनम्रता है। और जो सच्चे संत होते हैं ऐसे ही विनम्र होते हैं। तो कबीर हम सबते बुरे, कोई साधक पहुंचा हुआ जो साधक है मानो संत, वो कह रहे हैं कि मैं सबसे बुरा हूं और सभी लोग हमसे अच्छे हैं, जिन्होंने ऐसा समझ लिया वो हमारा मित्र हो गया। दर्शन को तो साधु हैं, सुमिरन को गुरु नाम, तरबे को अधीनता, डूबन को अभिमान। दर्शन करने को योग्य कोई है तो साधु हैं, संत हैं, कहीं के भी हों। और हम कहते भी हैं, यदि कोई व्यक्ति है, कोई मानो मिनिस्टर ही है, चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई राष्ट्रपति है, और कोई अफसर है, कोई धनी है, तो हम क्या कहते हैं, कहाँ जा रहे भैया? राष्ट्रपति से मिलने जा रहा हूँ, तो प्रधानमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ, कलेक्टर से मिलने जा रहा हूँ, अमुक व्यक्ति से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन कोई संत है तब कहाँ जा रहे हो? अमुक संत आए हैं, दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। संत से मिलने नहीं जाते हैं लोग, संत के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं, थोड़े कहते हैं राष्ट्रपति के दर्शन करने जा रहा हूँ। वहाँ दर्शन करने नहीं जाता कोई, वहाँ मिलने जाते हैं। अब वो भी किसी काम को लेकर, कोई स्वार्थ लेकर के, अपना कोई काम बिगड़ रहा है या नहीं हो पा रहा है तो उसे सिर्फ कह देंगे, सिफारिश कर देंगे, इसलिए जाते हैं मिलने के लिए। दर्शन करने के जाते हैं लोग तो केवल संतों दर्शन करने के लिए जाते हैं। साहब कहते हैं दर्शन को तो साधु है, दर्शन करने योग्य कोई है दुनिया में तो साधु हैं, जो साधना परायण संत हैं वे दर्शनीय हैं, उनके दर्शन करने जाएंगे तो मन में अच्छा प्रभाव पड़ेगा, एक कल्याण की प्रेरणा जगेगी। सुमिरन को गुरु नाम, और स्मरण करने योग्य कोई है तो गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान। दुनिया की चीज़ों के स्मरण करके या उसकी याद करके क्या करेंगे, दुनिया की चीज़ों की जितनी स्मरण करें, जितना स्मरण करेंगे लोभ बढ़ेगा, मोह बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, या और आगे तो वासना बढ़ेगी, विकार बढ़ेगा। दुनिया की चीज़ें स्मरण ही नहीं हैं, प्रयोग कह रहे हैं, ठीक है। सच में स्मरण करने योग्य कोई है तो गुरु का नाम, गुरु का ज्ञान है। जितना गुरु का ज्ञान स्मरण करेंगे उतना बेड़ा पार होगा, उतना जीवन निर्मल रहेगा, मन स्वच्छ रहेगा। तरबे को अधीनता, और यदि तरना है, उधार पाना है तो अधीनता, शरण में लेना, विनम्र बन करके संत गुरुजनों का आज्ञा पालन करते रहना। डूबन को अभिमान, और डूबना है यदि कहीं पर तो अहंकार। जहां भी अहंकार आया, जिसके मन में भी अहंकार आया वो डूबा। त्याग का अहंकार आ गया, वैराग का अहंकार आ गया तो वहां भी डूबना है। फिर किसी का भी अहंकार हो, हम बड़े त्यागी हैं, हम बड़े वैरागी हैं, ये कहने की आवश्यकता क्या है? हैं
हमारी गरज है, तो उस हमारा जो दुख है उस दुख को मिटाने के लिए हम त्याग बैराग का काम कर रहे हैं, उसमें अपने को दूसरों से बड़ा माने क्या जरूरत है, बड़ा माने तो डूबे फिर। नमन शमन अरु दीनता, सबको आदर भाव, कहें कबीर सोई बड़े जामे बड़ा स्वभाव। थोड़ा पाठांतर है ताकि जो पहले आई वही बातें हैं। नमन झुकना, झुकना मतलब ये विनम्रता ही है, वहां पर भी झुक गए तो नमन हो, झुकने का भाव विनम्रता। क्षमन क्षमा, अपना जो अपराधी है जितने हमारे साथ गलत व्यवहार किया हमारे हानि पहुंचाई उसको क्षमा कर देना, बदला लेने की भावना। क्षमा का अर्थ है बदला लेने की भावना से रहित होना, बाहर से क्षमा कर दिए क्योंकि हम कमजोर हैं लाचार हैं, प्रतिक्रिया करेंगे बदला लेंगे तो मारे पीटे जाएंगे और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, इसलिए बाहर से सहन कर लिए चुप रह गए, तो ये क्षमा क्षमा नहीं है क्योंकि अंदर तो जल रहा है मन, भीतर में भीतर से बिना प्रतिक्रिया के क्षमा कर देना, बदला लेने की भावना, रंच मात्र भी बदला लेने की भावना न होना, तब क्षमा है। तो ऐसे जिनमें नमन हो, क्षमा हो, दीनता हो और सबके लिए आदर का भाव हो। कबीर साहब कहते हैं कि वही आदमी बड़ा है क्योंकि ये बड़े स्वभाव के लक्षण हैं, जिनका स्वभाव बड़ा है वो बड़ा है, और उसके लिए लिए बड़े स्वभाव का लक्षण नमन करना। नमन का अर्थ ये भी होता है अहंकार रहित, कामना रहित, निष्कामता, दीनता है ये नमन, निष्काम हो गए, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना, तृष्णा नहीं। आप कहीं भी जाएं और कोई किसी से कामना न रखें तो लोगों के मन में आपके लिए अपने आप प्रेम हो जाएगा, सम्मान की भावना हो जाएगी। कहीं गए और मांगते रहे ये चाहिए, ये लाओ, वो लाओ, ऐसा लाओ, वैसा लाओ, भोजन करने बैठे, भोजन कर लिए यार लेकिन आज अमुक चीज़ नहीं बनाई, तो कितना नज़दीक से नज़दीक हो धीरे धीरे वो लोगों के मन से उतर जाएगा, और कितना निकट से निकट का है उसे कोई नहीं मांगे, आवश्यकता पड़े तो भी चुप रहे, तो होता समय से आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो जो निष्काम है, कामना रहित, क्षमावान है, विनम्र है और सबको आदर देने वाला है, सब कहते वो अपने आप बड़ा हो जाता है, यही दीनता का लक्षण है। और यहाँ पर आकर के कबीर वाणी आप लोगों की कृपा से समाप्त होती है।